Thank you.
ते सोहनी सुभान कुदरत कुदरत विच है कादर दा नूर बंदे जर्रे जर्रे दे विच जहूर दिसदा है बैठा अंदर तू लभदा है दूर बंदे जिस रस नूं लोड़दा विच तेरे हर पख तो रस भरपूर बंदे इस मिट्टी पाई मिट्टी मन पहला फिर दाखला मिलू जरूर बंदे फीस रखती शीस है दाखले दी तारी दाखला ते जन्म सवार जावी बड़े जन्मां दा भटकिया आण पहुंचिया जेकर जितने ता पहला हार जावी परम पूज्य पाद वालिए कुल आलम हजूर अनवर शब्द ब्रह्म सतगुरु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सतगुरां दी पावन और पवित्र हजूरी दे अंदर सजे होए साहिबां दे आलमाना दरबार दी हाजरी भरी सरमानयोग सत संगत आओ आप जितने भी गुरमुख प्यारे सतगुरां दे पवित्र चरणां दे विच हाजरी होए करके सज बैठे हो ना मनोबिरधी नूं करदे होए एकाग्रता सतगुरां दे चरणां दा धरदे होए ध्यान आओ कोई भी रसना वांझी ना रहे गरीब नवाज पातशाह गुरु ग्रंथ साहब की पावन पवित्र बाणी का वचन है हजूर कहते हैं हर का कीर्तन करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत एकाग्रता की दात बख्शते हुए आओ सतगुर खुशियां सतगुर की रहमत सतगुर की आशीषा करिए प्राप्त चुकाओ सीत सारी संगत आखो जी सरमान योग सा संगत सतगुर के पवित्र चरणों के सज बैठे हो सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा सतगुरां की रहमत और बख्शिश के पात्र बन रहे हो सब तो पहला कोट अनकोट धन्यवाद करता हाँ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का सतगुरां का पवित्र वचन है हजूर कहते हैं मैं निर्गुण यारे को गुण नहीं आपे तरस पयोई पंचम पातशाह धन गुरु अर्जुन देव महाराज सारे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी संपादित करके ना सारी बाणी संपादित करके तो जदों गुरु ग्रंथ साहब की पावन पवित्र बीड़ तैयार हो गई अखीर के उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने एक पवित्र शब्द रखिया मुंदावनी महला पंजवा भाव के मुंद देना ते सारा कुछ करके गुरदेव जी फिर यह वचन कर रहे कि मैं निर्गुण यारे कि कोई गुण नहीं है अकाल पुरख ने तरस करके अकाल पुरख ने रहमत करके पंचम पातशाह कहते इस सेवा लई है सत्कारयोग सत संगत हकीकत है सतगुरु गुरु गरीब नवाज जी पातशाह पातशाह की पावन पवित्र बाणी के इन्होंने वचना के मुताबिक दसरिया का ढाडी जत्था आवश्यक संगत के चरणों के हाजिर हुए है क्योंकि मीरी पीरी ढाडी दरबार ढाडी दरबार जोड़ा है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उलीकिया गया है महान ढाडी दरबार तो सतगुरों के चरणों में सज बैठे हो नगर महसपुर दारिया गुरु की सिख संगत वालों जिस संबंध में विशेष तौर पर जो मीरी पीरी ढाडी दरबार के संबंध में मीरी पीरी के संबंध में गुरु के लंगर करवाए जा रहे हैं ढाडा परिवार वालों बच्चों का जन्मदिन मनाया जा रहा है होर भी बहुत सारे परिवारों वालों लंगर किए जा रहे हैं सतगुरों का शुकराना किया जा रहा है सत्कारयोग सत संगत गुरु ग्रंथ साहब की पावन पवित्र बाणी पैर पैर पर सानू शुकराना करने की जा सिखाती है सतगुरु तो यह कहते हैं कि कदम इंसान जिंदगी दे ना शुकरा मना चाहिए भाई साहब भाई गुरदास जी उन्होंने वारा पढ़ीए ना तो भाई गुरदास जी ने अपन वारा के अंदर बकायदा इस गल का जिक्र किया कि बंदे जिंदगी कदम किरत घानी होना चाहिए निमत हरामी ज अकिरत घंटा नो वा दुनिया के होर कोई पाप नहीं है कहने धरती को पुछे ना कि तेरे उत्ते करोड़ों अरबों की गिनती के दुनिया तुरी फिरती है तो की धरती को भार लगता होगा सवाल करते भाई साहब भाई गुरदास जी आप ही जवाब देंगे कहते धरती कहती भार नहीं लगता धरती को सवाल किया तेरे उत्ते एडिया एडिया उच्चिया बिल्डिंगा बनिया हुई ने कि तेन भार नहीं लगता कहते धरती जवाब दी आंसर दिंदी है भार नहीं लगता भाई गुरदास जी के वचन ने ना तो सुभारे तरवर फल सफल फलन दे ना तो सुभारे जी जंत अणगणत फलन दे ना तो सुभारे कोटगढ़ घर बार दसन दे कहते फिर सवाल किया भी भार लगता कदों है तो याद रखो सतगुरु ने बाणी अंदर इस गल का उचेचा जिक्र किया है सतगुरु कहते धरती थम्मिया होया एक धौल ने आप सुने है ना बचपन के कथा कहानियां सुनते रहे भी धरती किसी बल्द के सिंगा उत्ते खलोती हुई है सच्चे पातशाह कहते बल्द हो कोई नहीं धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझा हो वै सत्यार धरती उपर तले उपर किता भार धरती होर परे होर इसते भार तले कमल जोर कहते जो किसी बल्द ने संभाली होंगी ना तो उस बल्द थले कोई होर धरती होंगी थले होर बल्द हों गल दिगां दिगां तुरी जाती है पर हकीकत है भी होर कोई धौल नहीं वह धौल असल है एक जो बल्द की गल की धर्म रूपी धौल है तो धर्म खलोता इस धर्म के आसरे से धरती खलोती हुई है तो सतगुरु कहते कि बंदे को जिंदगी दे विच कदे अकिरत घानी होना चाहिए तो धरती आंसर दिंदी है जवाब दिंदी कि भारे भूई अकिरत घन मंदी हो कहण का अर्थ
कि जिंदगी दे विच शुकराना जरूर करना चाहिए। तो बाणी का पवित्र वचन है, हजूर कहते ने जिह प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर कहो रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंध रतन लावे तिस कहो सिमरत परमगत पावे। जे प्रसाद बसे सुख मंदर इन्हें जी कृपा दे नाल घर परिवार दे विच खुशियां मनाउणे ना। जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। कहिंदे तां शुकराना जरूर करिया कर। रमैया के गुण चीत परानी कवन मूलते कवन दृष्टानी। जंतु साज सवार शिंगारिया गर्भ अगर्म है जिन्हें उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यारा दूध पार जोबन भोजन सुख सूद। बिरज पया ऊपर साख सहन मुखे प्यावो बैठ को दैन। ए निर्गुण गुण कशु न बूझे बख्श लेहो कहो नानक सी जय। जे प्रसाद धर उपर सुख बसे फिर गल उत्ते कृपा ते आ जाती है। जिहदी कृपा दे नाल सुख आनंद माणदा शुकराना जरूर करिया कर। शुकराने दे तरू तौर ते परिवारां दे वल्लों इह समागम कीते जा रहे है। तो मीरी पीर नूं समर्पित जो ये महान है गुरु कलंगरां दी सेवा जिहड़ी है मैसमपुरे दीआं सिख संगतां वल्लों कीती जा रही है। आओ साध संगत ढाडी जथा हाजिर होया मीरी पीर दे संदर्भ विच आप सिख संगतां दे चरणां दे विच बेनतियां प्रारंभ करां। कई बार बेशक भी सिख इतिहास के अंदर यह उचेचा जिक्र आता है कि धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह मीरी पीरी के मालिक के नाम याद करते हैं। सवाल पैदा होता है कि सिख धर्म के अंदर धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज तो पहला मीरी पीरी मौजूद नहीं सी क्योंकि गल तो धर्म के राजनीति की है ना। तो कि सिख धर्म अंदर मौजूद नहीं सी। साहिब धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह के पवित्र वचन पढ़ो। सतगुरु कहते हैं सौ जीव्या जिस मन वसिया सोए। बाणी का सिद्धांत है। गुरदेव जी कहते जिंदा इंसान उही हुंदा है जिन्हें हिरदे विच परमेश्वर की याद जाती है। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कही नानका जिह प्रीत नहीं भगवंत। जिन्हें हिरदे विच याद नहीं सच्चे पातशाह कहते वह जिंदा नहीं है। पर बाणी का वचन है सो जीव आ जिस मन वसिया सोए नानक अवर न जीवै कोए। ते नाल ही वचन कर दिता साहिबां ने कहिंदे जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जिता किश खाए। उस बंदे का जिउणा भी कोई जिउणा है जिदा जिउंदिया जी जिंदगी दे विच जिहदी इज्जत जिहदी अणख जिहदा मान ते स्वै माणी महफूज नहीं है। कदे धन गुरु नानक देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह नूं बाबर दीआं जेलां विच चक्की पीसनी पई पर तकिया बाबर ने भी सतगुरु सच्चे पातशाह ने जदों शब्द सुने ना शब्द सुने जदों बाबर ने खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपै दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई करलाणे तैं की दर्द ना आया। ते बाबर भी सतगुरां दे चरणां विच डिग गया सी। ते साध संगत जदों फिर गुरु नानक दी आस बस दे विच पंचम पातशाह आए धन गुरु अर्जन देव महाराज जोत रूप हा आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत स्यो तत मलायो। फिर अंगद कृपा तार अमर सतगुर ते कियो अमरदास अमृत छतर गुर रामै भीओ गुर रामदास दर्शन परस कै मथरा अमृत बैण। ते हादू किने मूर्त पंच परमान पुरख गुर अर्जन पुखो पिखो नैण। पंचम पातशाह गद्दी ते बैठे दूजे पासे आ गया जहांगीर। जहांगीर दे हुकम दे नाल धन गुरु अर्जुन देव महाराज सच्चे पातशाह नूं तपियां तमियां उत्ते बिठाया गया है। जदों सतगुरु दीआं होईआं शहादतां तां जिवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज बैठे आ गुरगद्दी उत्ते जदों बाबा बुड्ढा जी करन लगे गद्दी नशीनी उह मर्यादा चली आ रही है। किवें मेरे सच्चे पातशाह ने दो तलवारां मीरी और पीरी दीआं धारण कीतीआं है और की हुक्म उस वेले सच्चे पातशाह ने जारी कीते है। लो बेनती आप दे चरणां दे विच कर दी जाणा है क्यों कर रहे
ਬਾਰੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛੱਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜੁਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਵਿਖਾਵਣ ਬਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਬਹੋ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ੇਲੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉੱਤੇ ਸੀਲੀ ਸਜਾਉਣੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਿਆਓ ਔਰ ਕਲਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਗਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਬਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸਿਰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੀੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਨਾਂ ਫੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਕਰ ਖੂਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਗਾਲਾ ਵੱਧੇ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਕਰ ਖੂਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗਲ ਵੱਧੇ ਪਾਣੀ, ਤੇਲ ਤਿਲੋਂ ਕੋ ਨਿਕਲਿਆ ਬਿਣ ਪੀੜੇ ਪਾਣੀ, ਜਿਉਂ ਮਨ ਕਾਲੇ ਸੱਪ ਸਿਰ ਹੱਸ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਮੁੱਖ ਲੋਹਾ ਸਾਧੀ ਹੈ ਵਗਦੀ ਵਾਦਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕੋ, ਲੋਹਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਾਮਦੀਆਂ ਔਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਹੇ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮੁੱਖ ਬੰਦੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਦੇ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੈ ਮੋਹ ਮਾਰ। ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੂਰਖ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਓ, ਰਸਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੁੱਝੀਐ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੀਰੀ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਰਪਾਨ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਨਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ
गुरसिखां वल नूं मोकर के कहिंदे गुरसिखो गुरु की करनी उत्ते शंका ना करना। आने वाले समय के इन दोहां कृपाणां ने दोहां तलवारां ने एक म्यान विच चलियां जाणा। इस गल नूं सुण के बहुत सारे सज्जन हस पए क्योंकि कहावत है ना आपां कहिंदे दो तलवारां इक म्यान नहीं हो सकदियां, पर सियाणे कहिंदे आ कि दो तलवारां फड़ो दो तलवारां लाओ ते दोहां दीआं कंडां जोड़ दिओ। जदों पिट जुड़ांगे ना दो तलवारां दीआं पिट्ठां जुड़ जाणगीआं ते खंडे दा रूप रेखा खंडे दी रूप तैयार कर लैणगीआं तलवारां। तो यह खंडा धन गुरु हरगोबिंद साहब के पोते सरबंस धानी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो फड़िया ना तो पा के सरबलों के बाटे में सतलुज या निर्मल जल आनंदपुर साहब की धरती केसगढ़ के टले उत्ते मीरी और पीरी, क्योंकि मीरी और पीरी एक खंडे का सिद्धांत है मीरी और पीरी का, मीरी और पीरी टैंपर करके जो मुरदिया के मूँह में पाया ना। याद रखो लोहार जो संद तैयार करता है ना पहला लोहे अग उत्ते गर्म किया जाता है, गर्म करके फिर वह औजार बनाया जाता है। तो गर्म गर्म लोहे औजार तैयार करके लोहार सज्जन जिन्होंने एक किता अपने हाथी किया है उन्होंने पानी में टैंपर किया जाता है। तो साहब धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मीरी और पीरी टैंपर करके जो मुरदिया के मुख में भी पाया ना तो उही लोग सन बहु गिनती दे विच उही लोग सन जिहड़े कहिंदे सी हम तो तोलन जाने तकड़ी नंगी करत कबू नहीं पकड़ी जिहड़े जुड़े दरसे मर जाए मुगलों से कैसे लड़ताए। तो जदों ये मीरी और पीरी टैंपर करके पियाईया तो कह उठे सन वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो ऐसी रूह भर दिती कि बहुत गिनती में वह लोग वह सज्जन जिहड़े पहिलां चिड़िया वांग दबाए जा चुके सी दुश्मन के सामने कहण जोगे हो गए कि हम तो यह कहण जोगे हो गए कहिंदे इधर आओ जालम हुन आजमाए तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। मैं बेनती मीरी और पीरी के विषय कर रहा सा तो बेनती है की जा रही है भी सतगुरु ने पीरी को प्राथमिकता दिती है। मौजूदा समय अंदर असं ये गलते करते हैं कि सिख धर्म अंदर मीरी पीरी कट्ठिया ने पर कट्ठिया है ना किवें पीरी को पहल है मीरी को बाद रुतबा दिता जाता है। तो जे ठेठ शब्दों में समझना हो ठेठ शब्दों के व्याख्या करनी हो आप यूं कह सकते हैं जिवें फर्ज कर लो राजनीति एक घोड़ा है, राजनीति एक घोड़ा है तो धर्म घोड़े उत्ते सवार हो सिद्धांत है सिख धर्म के अंदर मीरी और पीरी का, पीरी उपर है मीरी थले है। पर जे हुण मौजूदा समय के हालात कदे वेखीए जिहड़े मौजूदा हालात ने जे कदे इन्हां हालातों का वर्णन करना होवे ते अज दे हालात की ने अज धर्म घोड़ा बनिया होया अज पीरी घोड़ा बनी हुई है मीरी उत्ते सवार हुई है। होर शब्दों के समझना होवे ना ते सतगुरां ने धर्म नूं सिर दा ताज बनाया है आ दस्तार नूं दस्तार दा थां दित्ता है, धर्म सिर दा ताज है ते राजनीति पैर की जुत्ती है। पर अज इदां लगता है जिवें साडे लीडर वल्लों खौरे इस गल की पुट्ठी समझ आ गई है अज मीरी उपर हो गई है पीरी थले हो गई है जिहड़ा सिर दा ताज है उहनूं पैरां च रोलिया होया है ते जुत्ती सिर ते टंगी फिरदे है अखां दे सामने है ना साडे की कुछ हो रहा है। मीरी और पीरी दे नाम उत्ते याद रखो सत संगत बहुत वड्डे पद्धर ते औजड़े पै चुके हैं बहुत वड्डे पद्धर ते पर लोड़ है समझण दी। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह ने अकाल तख्त साहिब तामीर करवाया अकाल तख्त साहिब बनवाया गया। बहादुर बाबा बिधी चंद अपने पिंड गया और दो ढाडी ढाडी नथ मल ती अब्दुल खैर लैके सतगुरां दे चरणां विच आके हाजिर होया। यह उन्होंने अकाल तख्त ते खड़िया होकर वारा गायन कीतियां दो तलवारी बधियां एक मीर दी एक पीर दी एक अजमत दी एक राज दी एक राखी करे वजीर दी हिम्मत बाहा कोट गढ़ दरवाजा बलक बखीर दी नाल सिपाही नील लाल मार दुष्टा करे ताहीर दी पग तेरी की जहांगीर दी। बाबे नथमल ने अब्दुल खैर ने 35 सटे जहांगीर दी पग नूं हथ पाया सी। अज कई बार कई सज्जन कहिंदे ढाडी बड़ा उच्चा गाउंदे है ते कई जदों ढाडी सिंह होकर लाउंदे आ जां आवाज लाउंदे आ ना ते कई कहिंदे जी माइकां दीआं आवाजां घट कर दिओ क्यों साडे कन्न पाड़दे आ उच्चिया आवाजा के गाँवना सूँ पसंद नहीं। पर सत संगत कई सज्जन ये गल भी कहेंगे कि ढाडी बगावती स्वरों में बोलते हैं पर ढाडी नथमल से अब्दुल खैर वाल वेखो जी पहली बार अकाल तख्त खड़िया हो गए गाई उन्हें 35 सटे सीधा जहांगीर की पग में हथ पाया कह लगे सच्चे पातशाह पग तो है जहांगीर की पग थी की बराबरता कर लेगी। हुण ढाडी नथमल से अब्दुल खैर ने खड़े होकर अकाल तख्त गायन कीतियां ढाडी वारा धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह ने सिख संगत के नवे पैगाम जारी किया है। हजूर जी ने चुप करके बहुत चिर के देख लिया है हम जरूरत समा इस गल की मांग करता है कि शस्त्र पकड़े जान और जंगा लड़िया जान। हजूर ने उस वे हुक्म कर दिता कि जे गुरु की खुशी लैनी है चंगिया जवानियां भेटा करो चंगे शस्त्र भेटा करो चंगे घोड़े लैके हाजिर हो। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह का यह हुक्म किवें सिख संगतां तक पुजाए और जंगल की अग वांगू यह गल किवें उड़ गई है आओ बेनती ढाडी कला की बनगी बैंत छंद है मेरे साथी सिंह आप जी के चरणों के बेनती बिना इं कर
पातशाह की वंगार में किसी कवि ने कलमबंद किया कहते सच्चे पातशाह ने एक वंगार मारी ये धरत नहीं कमजोरां दी मुल्क नहीं बीमारां दा ये जूहा वीर बहादुरां दी ते पिड़ है शाह सवारां वाला इत्थे जो भी जाना चाहता है वह छाती तन खड़ो जाए जिधर नूं उहदी अख होवे उधर ही चानण हो जाए। याद रखो अगर जुल्म करन वाला जालम है तो सहण वाला बुजदल है तो कवि का कथन है बैरी अणख नूं मारेगा सट दुश्मन फिर शांति का कितों जाप होंगे उदो जमदा है कोई शेर नलुआ ते या फिर पैदा कोई राणा प्रताप होंगे कौमां वास्ते मरन दा पाक जज्बा मैदा दिलां च अपने आप होंगे जुल्म करना भी होंगे है पाप जेकर जुल्म सहना भी महा पाप होंगे। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह का हुक्म पा के जवानियां सतगुरां दे चरणां विच आउण लगियां समय ने तकिया सतगुरां ने चार धर्म युग लड़े ते चौहां दे विच सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह ने फतिह प्राप्त की। दिता हुआ समा लगभग समाप्त है 7 बजे का टाइम प्राप्त होया सी। मैं आप सारिया सिख संगतों का सद बैठी सन्मानयोग सारी गुरद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी बेनती करते हैं कल कल सज्जन का नाम लैन लगागा तो समा लग जाएगा नाम पूरी नहीं होने क्योंकि तुम जिन्या भी शख्सियत सतगुरों के चरणों में सद बैठे हो गुरद्वारा साहब की समुची प्रबंधक कमेटी तो समुची स्रोता जन सारिया गुरु की सिख संगत क्योंकि तकरीबन और तकरीबन सारे चेहरे जाने पछाने चेहरे है 2012 के लगातार 5 महीने आप सिख संगत के चरणों के हाजरिया भरिया ने प्यार माने आशीसा और आशीसा और बख्शिशा के सदका ही 2012 तो मगरों सतगुरु सच्चे पातशाह ने रहमत की 2 टूर अमेरिका के और इस साल फिर सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा गुरदेव की रहमत के सदका हुक्म तो अकाल पुरख का ही चल रहे ना नक नथ खसम हथ किरत धके दे जहां दाने तहां खाने नानका सच है। बंदे का उदम होंगे बंदे का वसीला होंगे पर बाणी का वचन है कई बार इदा भी हो जाता है मता करें पछम कह ताई पूर्व ही लै जाता है बंदा एवं फुलिया फिर पर हकीकत है कि जिवें सच्चे पातशाह का हुक्म होंगे उन्होंने हुक्म के मुताबिक सारी कायनात चलती है। सो गुरदेव सच्चे पातशाह ने रहमत की इस साल भी दर्शन दीदारे कराए हैं। मैं समुची गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का इस पक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आप सिख संगतों के चरणों के द्वारा जुड़ू किया है। इस पक्ष को समुची गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का सारे प्रबंधक सज्जन सतगुरों के चरणों के साथ बैठे मेरे सत्कारयोग गुरु साहबान सारिया सिख संगत का धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह का और इधर गुरु के ग्रंथी सिंह साहबान सतगुरों के चरणों में सुभायमान ने इन्हों दो गुरमुख प्यारों का गुरु के ग्रंथी सिंह मेरे बहुत ही सत्कारयोग आदरणीय ने इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह का धनवाद है तो बड़ा पंथ का चोटी का मनिया परमनिया ढाबी जत्था ज्ञानी जसवंत सिंह जी जोश ये भी अपने साढ़े इलाके ही ने सतगुरों की बड़ी कृपा एको टकसाल तकरीबन और तकरीबन आप जी ने चरणों के ढाडी कीर्तन कर रहे थे ढाडी कला की वनगियां तो इन्होंने खुश होकर नौजवान वीर बैठा भाई दलजीत सिंह स्वर्गीय राकी अजीत सिंह जी नवा पिंड दोनेवाल वाले उन्होंने को सीखे मेरे साथी सारंगी मास्टर वीर भाई सुरजीत सिंह जी सबरी परले पासे वीर हरप्रीत सिंह जी प्रीतम इन्हों का नगर चानी है नज़दीक नकोदर जिला जलंधर और वीर कुलविंदर सिंह सोढ़ी ये तिने सिंह राकी अजीत सिंह उन्होंने सिखाए हुए नवा पिंड दोनेवाल वाले के और इन्होंने दादा उस्ताद ने वीर दलजीत सिंह उन्होंने दादा उस्ताद है राकी अजीत सिंह जी और अपने दादा उस्ताद जी के नाम से $20 स्पैशल इन्हों वालों हाजिर हुए ढाडी कला के सन्मान स्वरूप। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता है सतगुरु सच्चे पातशाह गुरदेव जी चरणों के अरदास करना सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करते हुए इस नौजवान वीर उत्ते और सारे ढाडी उत्ते
रहमत करते हुए गुरदेव सच्चे पातशाह होर भी बुलंदियां बख्शन, सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करके गुरसिखी जीवन चढ़दी कला नाम बणी दीआं दातां दे नाल माध्यम सारिया सिख संगतां दा धन्नवाद करता होया आने वाले जत्थे नूं जीओ आखदा होया ढाडी साथी कुलविंदर सिंह सोढ़ी, हरप्रीत सिंह जी प्रीतम और सारंगी मास्टर वीर भाई सुरजीत सिंह जी सफरी, दास वरिंदर सिंह वारस सुल्तानपुर लोधी वाला ढाडी जत्था, आप सारिया सिख संगतां दा धन्नवाद करता होया कि मदा जाच कह करो कृपा ते फतेह दी आसीस बख्शो। आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।